उत्तराखंड युवा शक्ति संगठन ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर जनसंवाद यात्रा के तहत बागेश्वर में पदयात्रा निकाली तथा विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभा करते हुए लोगों से समर्थन करने की अपील की। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकारों ने स्थायी राजधानी के सवाल को उलझाकर रख दिया है। 4 दिवसीय इस यात्रा के दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने लोगों से गैरसैंण राजधानी के लिए जन समर्थन जुटाया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी पहाड़ के अस्तित्व और स्वाभिमान का सवाल है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। आंदोलनकारियों ने कहा कि शहीदों के सपनों के उत्तराखंड के लिए एक और लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। यहाँ ये यात्रा जो है काफी जोश खरोश से निकल रही है और तमाम क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों से, जिन शहरों से, कस्बों से हम गुजर रहे हैं, उसमें हमें जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और आप जैसे लोगों को, पत्रकारों का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, ताकि वो जो है खबर को बेहतर बनाए और ताकि अवेयरनेस समाज के अंदर फैले और लोग जागरूकता आए। और ये राजधानी गैरसैंण का जो मुद्दा है, धीरे धीरे करके इसमें जो है तपिश और गर्मी पैदा हो रही है, ये अपनी चरम की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम गैरसैंण राजधानी के लिए उन्होंने 135 करोड़ का विधानसभा बना दिया, तो आप देहरादून में क्या कर रहे हो? ये 135 करोड़ जनता के पैसे, जनता का टैक्स का पैसा है, सरकार इसको किस तरीके से यूज कर रही है? हम जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जाके मिले, युवाओं से मिले, युवाओं कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला। आप 2004 से लेकर 2017 तक की अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट दर्ज की है और उसमें 2 गुना बढ़ गई है, 4.2 हो गई है, 5वें नंबर के उत्तराखंड जिसमें बेरोजगारी पे पड़ा हुआ है। और आप ये देखिए कि जिस तरह से बेरोजगार के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, यहाँ से पलायन हो रहा है, 35 आदमी रोजाना पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पलायन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले सीएम जी बताएं। 5 नवंबर से हमारी जनसंवाद यात्रा चल रही है राजधानी गैरसैंण के लिए। कल शाम को हम लोग यहाँ बागेश्वर में आए थे, आगे हम लोग अल्मोड़ा जाएंगे और इस पूरी जनसंवाद यात्रा के दौरान लोगों में सरकार के प्रति बहुत गुस्सा देखने को मिला और विशेष रूप से इस बात का लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि सरकार ये जो उत्तराखंड स्थापना दिवस जो बना रही है 3-4 दिन से, ये किस बात का स्थापना दिवस बना रही है? जनता ये कह रही है कि सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के तो पैसे है नहीं। अप्रैल से लेके इस वित्तीय वर्ष में, अप्रैल से लेके अभी अगस्त तक सरकार 1100 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है तनख्वाह देने के लिए, और करोड़ों रुपये ये जो भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और सरकार जो है इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर युवाओं की बात कर रही है। तो सरकार इस दौरान 20,000 लगभग 20,000 युवाओं को नौकरी से, उनकी नौकरी छीन ली गई है और एक भी नया रोजगार नहीं दिया है। और पलायन आयोग का डाटा ये कहता है, जो कि सरकार ने खुद ही बनाया है, कि रोज उत्तराखंड से 35 लोग पलायन कर रहे हैं और मुख्य कारण क्या है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति है, स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है, ये पलायन आयोग खुद अपना स्वीकार कर रहा है। तो क्या सरकार इस बात का उत्सव मना रही है? तो ये जो जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस बात को लेके भी जनता ये सवाल कर रही है कि सभी जगह जो है उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, गैरसैंण में क्यों नहीं मनाया जा रहा अगर सरकार मना ही रही है? तो साथ में ये दिखाता है कि 2022 में सरकार को ये मुद्दा बहुत भारी पड़ने वाला है अगर सरकार ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया तो। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि वो गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाएंगे, मगर उस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि गैरसैंण में राजधानी के नाम पे जो निर्माण कार्य चल भी रहे थे उन निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और कोई नया बजट जारी नहीं किया गया है। तो आगे 2022 के चुनाव में ये बहुत भारी पड़ने वाला है सरकार। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।